लंपट की जैसी इच्छा वैसा वो करे। और उसके बाद गोपियां रुदन करने लगी और कहने लगी, हे नाथ हे रमानाथ, ब्रजनाथ तिनासन, मग्न मुद्धर गोपियां रुदन करने लगी, रोने लगी, अश्रुओं के अश्रुओं से नेत्र धार बह उठी, गोपियों के नेत्रों की बहने वाली धार एक पनारे के रूप में परिणत हुई। वही पनारा एक नदी, नदी एक सरोवर, सरोवर एक महासरोवर, महासरोवर एक समुद्र के रूप में, और वही समुद्र एक अथाह भाव समुद्र के रूप में प्रकट हुआ। और उसी अथाह भाव समुद्र में उद्धव जैसे ज्ञानी ने ऐसा गोता लगाया कि 7 महीने उसी में गोते खाते रहा बस। तो भोली वाली गोपियों को छोड़ा है, वो ग्वाल वालों को मुझसे पूछो यशोदा का विरह, मुझसे पूछिए। ब्रजवासी बोलते हैं, जब से हमारा कन्हैया गया उद्धव, हम में तो गरीबी आ गई। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, उद्धव जरा अपनी आंखें बंद करोगे? और जो ही उद्धव ने अपनी आंखें बंद करी, बोले आंखें खोलो। और जब ही आंखें खोल करके देखा तो भगवान के बगल में किशोरी राधा, हजारों गोपियां, बाबा नंद, माँ यशोदा सब विराजमान है। उद्धव इनके बगैर मैं नहीं और मेरे बगैर ये नहीं, इनके बिना ये मेरे बगैर कुछ जानना नहीं चाहते और मैं इनके बगैर कुछ जानना चाहता ही नहीं। ये साधारण नहीं है, ये साक्षात वेद की श्रुतियां हैं। उद्धव ज्ञानी तो थे, आज तुम्हारे ज्ञान पर प्रेम का पुट लग गया। Yeah.
विश्व का सनातन धर्म की गौ माता की पृथ्वी माता की भारत माता की हिंदू राष्ट्र खंड हो हिंदू राष्ट्र खंड हो। ओम नमः पार्वती पदये हर 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 महादेव जय जय श्री सीताराम। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हुए शेष चर्चा कल की कथा में भगवान की द्वारिका लीला का विस्तार से वर्णन, भगवान के विवाहों का वर्णन, उसके बाद बड़ा सुंदर सुदामा चरित्र की कथा और कथा के विश्राम कल परीक्षित का सुधाम गमन और परसों हमारी पूर्णा होती। तो कला आनंद उत्साह मनाकर के कथा में आए और बड़े प्रेम और भाव से कथा का श्रवण करके अपना आत्मरंजन करें। धन्यवाद। सावरी सूरत दिल दीवाना सावरी सूरत दिल दीवाना दिल दीवाना हो I'm not afraid.
तीसरा